हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे टीम इंडिया का न्यू कोचिंग स्टाफ के बारे में। दोस्तों अभी अभी न्यूज़ आ रहे हैं, राहुल द्राविड बीसीसीआई का हेड कोच के पोजीशन के लिए अप्लाई किए हैं। टी20 वर्ल्ड कप के बाद रवि शास्त्री टीम इंडिया का हेड कोच के पोजीशन के लिए इस्तीफा देने वाले हैं, इसलिए राहुल द्राविड टीम इंडिया का हेड कोच के लिए अप्लाई किए हैं। राहुल द्राविड टीम इंडिया का अंडर-19 का हेड कोच भी रह चुके हैं। द्राविड नेशनल क्रिकेट अकेडमी का हेड थे। अभय शर्मा दूसरा राहुल द्राविड का मेंबर एंड अजय रत्न दोनों भी टीम इंडिया का फील्डिंग कोच के लिए अप्लाई किए हैं। और परस मेंबर है, ये भी राहुल द्राविड का अंडर-19 का टीम का मेंबर थे, ये भी इन्होंने भी टीम इंडिया का बॉलिंग कोच के लिए अप्लाई किए हैं। भरत अरुण की जगह है। और राहुल द्राविड एनसीए का हेड के पोजीशन के लिए इस्तीफा देने के बाद अब एनसीए का पोस्ट खाली पड़ता है, इसलिए वीएस लक्ष्मण एनसीए का हेड बन सकते हैं। और वीएस लक्ष्मण इनकार किया तो अनिल कुंबले एनसीए का हेड बन सकते हैं। दोस्तों आप भी हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, उसमें हम डेली क्रिकेट न्यूज एंड क्रिकेट डिस्कशन करते हैं। डेली क्रिकेट न्यूज एंड अपडेट्स के लिए आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू गाइस।